रणनीति आईएएस ऑनलाइन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक आज आपके सामने विश्व की नदियां के बारे में रिवर ऑफ वर्ल्ड के बारे में चर्चा कर रहा हूं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको चर्चा किया था, फिर से और उसको आगे बढ़ाते हुए उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि या आपको मैंने एक चीज़ आपको अफ्रीका के बारे में बता रहा था, नील नदी के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया, कांगो नदी और जायरे नदी के बारे में बताया कि विषुव रेखा को दो बार काटती है, और इसको आपको एक बात और बता दें कि अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है नील नदी के बाद, और यह जो है डिस्चार्ज जो करती है वाटर का आपको सेडिमेंट्स का, जिसमें आपको बालू के कण है, इसमें आपको मिट्टी के कण है और पानी है, ये सब का डिस्चार्ज जो करती है उसमें आपको या आपको अमेजन नदी के बाद इसकी सेकंड पोजीशन आती है। तो अमेजन उस मामले में भी बड़ी नदी है, इसको हमने आपको चर्चा किया है। यहाँ पर एक नदी है जाम्बेजी नदी जो अफ्रीका की चौथी लंबी नदी है, जिस पर विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया झील जो है जहाँ से उद्गम होता है नील नदी का, विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर है। यह दोनों आप कंफ्यूज नहीं कर जाएं, इसलिए मैंने चर्चा कर दिया है कि विक्टोरिया झील उद्गम है नील नदी का, लेकिन विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर है। यह आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बहुत सारी बातों को आपको चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि विक्टोरिया झील जहाँ पर होगी वहीं पर विक्टोरिया जलप्रपात होगा। नहीं, विक्टोरिया झील जो है नील नदी का उद्गम है वहाँ से, विक्टोरिया झील से, लेकिन विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर। ये बराबर कंफ्यूज जो बच्चे हो जाते हैं उनके लिए मैं आपको बतला रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक और कंफ्यूजन की बात बतला रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो नदी है मर्रे और डार्लिंग, मर्रे जो है वह मर्रे और डार्लिंग, तो पहला नाम जो आता है मर्रे और उसके बाद डार्लिंग, डार्लिंग सहायक नदी है, डार्लिंग सहायक नदी है, तो नाम के पहले जो नाम आए उसका मतलब है वह प्रथम नदी है, ठीक है ना, प्रथम नदी है मर्रे, यहाँ पर प्रथम नाम आया इसलिए मर्रे है, डार्लिंग उसकी सहायक नदी है। वही बात मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अफ्रीका उत्तरी अमेरिका की जो नदी है मिसिसिपी मिसौरी, तो मिसिसिपी जो है वह प्रमुख नदी है और मिसौरी उसमें आकर के मिलती है, मिस मिसौरी का मुहाना या माउथ वह मिसिसिपी है, इसलिए मिसिसिपी को पहले नाम बोला जाता है, मिसौरी को बाद में। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूज़न आप लोगों को क्रिएट नहीं कर ले, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करूँगा कि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दो वीडियो अभी जो हम डाले हैं, वह दोनों जो है ट्रिक्स है कि कैसे हम मेमोराइज करेंगे, पहली बात, दूसरी है कैसे कन्फ्यूज़न जो आ जाते हैं बच्चे में या आप में, आपको भी कन्फ्यूज़न होगा उसको दूर करने के लिए। तो यह जो है आपको बता रहे हैं कि मिसिसिपी और मिसिसिपी मिसौरी बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि मिसिसिपी जो है वह जो है मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदी मिसौरी है जो उसमें आके मिलती है। अब मीन्स माउथ कहिए, मुहाना कहिए, वह मिसौरी का आपको मिसिसिपी है, तो मिसौरी आपको जो है, लेकिन लंबाई की दृष्टिकोण से मिसौरी बड़ी है, मिसौरी बड़ी है, तो आप ये नहीं कंफ्यूज कर जाएंगे कि मिसौरी बड़ी है या मिसिसिपी, नहीं, मिसौरी बड़ी है, या बार बार अच्छे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने बताया वही चीज आपको, हम मर्रे डार्लिंग के बारे में बताते हैं, मर्रे प्रमुख नदी है, डार्लिंग इसमें या छोटी सी जो है डार्लिंग इसमें आके मिल रही है। मर्रे की जो लंबाई है 2508 है किलोमीटर है और डार्लिंग का है 1472 है, डार्लिंग छोटी नदी है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, मर्रे
प्रमुख नदी है, सहायक नदी डार्लिंग है, डार्लिंग छोटी है, जस्ट हाफ है, इसलिए यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसका दोनों का उद्गम जो है, सोर्स है, जहाँ से निकलती है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स है, इस एरिया में ऑस्ट्रेलियन आल्प्स है, वहाँ से निकलती है, इसको आप ध्यान देंगे। और यह जो है, आपको एक बात और आपको बता दें कि इसका आपका जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी में आपको मर्रे आती है, और आपको डार्लिंग जो है वह डार्लिंग तीसरी बड़ी नदी है, डार्लिंग जो है तीसरी बड़ी नदी, ये नहीं कि आप द्वितीय है। अगर क्रमबद्धता में आए ऑस्ट्रेलिया की प्रथम, तो प्रथम में आपको मर्रे है और तृतीय में डार्लिंग है, इसको ध्यान रखें, क्योंकि यह हाफ के लगभग है, 1472 है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यह दोनों के बीच में जो आपका कंफ्यूजन है उसको दूर कर दिए, और आपको मिसिसिपी मिसौरी के बारे में आपको बता दिया। एक और ट्रिक्स और कंफ्यूजन बच्चे को हो जाता है, और ट्रिक्स भी है कि यहाँ पर यांगशी नदी जो है, यांगशी नदी जो है आपको एशिया की सबसे बड़ी नदी है, इसका और मेकांग नदी दोनों का उद्गम जो है तिब्बत का पठार है, जिसको पामीर की पठार के रूप में भी जाना जाता है। तो यह तिब्बत का पठार जो है, यहीं से यह दोनों निकलती है, मेकांग नदी निकलती है जो, और आपको यांगशी नदी है। यांगशी नदी एशिया की आपको सबसे बड़ी नदी है, और यह जो है इसका आपको उद्गम जो है दोनों का तिब्बत का पठार है, पामीर का पठार के रूप में जाना जाता है। और दोनों का जो आपका ये मुहाना है चीन सागर है, इसलिए यांगशी नदी और आपको मेकांग नदी, यह ब्लू वाला जो है यांगशी नदी है, और यह मेकांग नदी ब्लैक में जो हमने ड्रॉ किया है वो मेकांग नदी है। दोनों तिब्बत का पठार से है, दोनों चाइना सी में गिरती है, चीन सागर में गिरती है। और यह जो है मेकांग नदी जो है, उसका एक बात बता रहे हैं, इसका अपवाह जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्रों के बहती है, तो चीन है, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया और वियतनाम है। इसमें एक मलेशिया नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत जो है मेकांग गंगा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, मेकांग गंगा परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है, ठीक है ना, इसमें भारत का बहुत बड़ा सहयोग है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यह दोनों नदी के बारे में आपका याद, एक का याद हो जाएगा तिब्बत का पठार और आपका उद्गम, तो दोनों का उद्गम तिब्बत का पठार है, दोनों का मुहाना भी चीन सागर है, इसको ध्यान रखेंगे। केवल एक प्रश्न बराबर मेकांग से पूछा जाता है कि यह जो है मलेशिया में इसका क्षेत्र पाया जाता है या नहीं, तो इसका जो है अपवाह क्षेत्र नहीं पाया जाता, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यह जो है आपको, इसको आप ध्यान रख लिए। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ आमूर जो आपको नदी है, रशिया की नदी है, इसमें दो, इसकी जो दो सहायक नदी से मिल करके आमूर का फॉर्मेशन करती है, आमूर नदी को बनाती है, एक है आर्गुन है, दूसरा सिल्का, और यही आगे बढ़ के आमूर जो टेटरी की स्ट्रेट में आकर के यहाँ गिरती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको दो, आपको यहाँ पर आपको एक है आपको झील है, यह झील जो है आपको कैस्पियन झील है, इसको कैस्पियन सागर कहते हैं, ठीक है ना, कैस्पियन है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर है या कैस्पियन सागर है, इसमें आपको हम बता देते हैं। इसको अगर आप कैस्पियन सागर को ध्यान में रखेंगे तो कई आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कई नदियों का यहाँ पर जो है आपको यहाँ आकर के मुहाना है। कैस्पियन सागर में आपको यहाँ पर मैंने चित्र बना दिया, इसमें वोल्गा, यूराल, पूरा और तेरेक नदी, चार नदियाँ इसमें गिरती है, जिसमें आपको यह वोल्गा है और यह यूराल है, यूराल जो है यूराल पर्वत से निकलती है, यह यूराल पर्वत से निकलती है, यूराल जो है
आपको यूरोप में तीसरी, यूरोप की सबसे तीसरी लंबी नदी में से आती है, एशिया की 18वां है, और यह उराल पर्वत से इसका, यह उराल पर्वत जो आपको यूरोप और एशिया को बांटती है, यही उराल पर्वत से इस ओरिजिनेट करती है उद्गम। तो वोल्गा और यूराल को आप कैस्पियन सागर का याद रखेंगे। दो और है नदी जिसकी हमने बताया, कूरा और तेरेक, इसको भी चार नदियां इसमें है। और ब्लैक सागर से जिसको कृष्ण सागर कहते हैं, काला सागर यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। काला सागर में आपको डेन्यूब नदी है, नीपर है, इधर से देखिए नीपर है, यहां से डेन्यूब है, उसके बाद निस्तर है, दक्षिणी बग है, कुबान है, रियोनिया। लेकिन तीन नदियां बहुत फेमस है, डेन्यूब, नीपर और निस्तर, जो आपको काला सागर और कृष्ण सागर या ब्लैक सी में यह आकर के गिरती है, मुहाना इस तीनों का है। डॉन नदी जो है यह कंफ्यूज बच्चे को कर देता है। डॉन नदी जो है आपको मुख्य रूप से डॉन नदी के बारे में बताया है कि वह काला सागर में डायरेक्ट नहीं गिरती है, प्रत्यक्ष रूप से उसमें नहीं गिरती है, उससे पहले एक एजोब सागर है, यहाँ पर एजोब सागर है, एजोब सागर में गिरती है। एजोब सागर जो है काला सागर से मिली हुई रहती है। आप प्रश्न अगर पूछ दे एजोब सागर का, तो प्रथम नाम एजोब सागर देंगे। अगर एजोब सागर का नाम नहीं रहे, आपको काला सागर का की बात रहे, तो काला सागर देंगे। लेकिन यह डायरेक्ट काला सागर में नहीं गिरती है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात बता दें आपको कि कैस्पियन जो सागर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैस्पियन सागर जो है सो वह लैंड लॉक्ड है, या कभी भी चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। लेकिन काला सागर जो है भूमध्य सागर में गिरती है, इसलिए यह झील नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। झील में इसका नाम नहीं है, झील के लिस्ट में घटते क्रम में मैंने आपको कैस्पियन सागर के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह डेन्यूब नदी जो है, डेन्यूब नदी का उद्गम जो है ब्लैक फॉरेस्ट में है। इसको भी ट्रिक है, ब्लैक फॉरेस्ट से उद्गम है और ब्लैक सी में गिरती है, तो दोनों ब्लैक है, तो डेन्यूब का ब्लैक सागर में यह गिरती है और ब्लैक फॉरेस्ट से आपको उद्गम होता है। 10 यूरोपीय देश में यह बहती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यह आपको मैंने पहले भी बताया था कि यह जो है आपका यह ब्लैक सागर जो है यह आपका झील नहीं है, क्योंकि यह जो है भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ। कैस्पियन सागर जो है यह लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ, इसलिए यह जो है विश्व की सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है। झील के लिस्ट के बारे में क्रम घटते क्रम में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस यहाँ पर आपका बहुत सारे क्लियर आप हो गए होंगे। अब यहाँ पर एक नदी है ओब नदी, ओब नदी जो है यहाँ पर ओब नदी यहाँ से आती है और यह इर्तिश एक सहायक नदी है, इर्तिश इसकी सहायक नदी है। ओब नदी है उत्तरी एशिया की पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र, ये साइबेरिया क्षेत्र की नदी है जो विश्व की सातवीं बड़ी नदी है। यहाँ पर तीन नदियाँ हैं, यहाँ पर एक लेना नदी यहाँ पर है, लेना नदी यहाँ पर बहती है और यह लेना नदी यहाँ पर बहती है और यहाँ पर ये ओब नदी है और एक एनिसे नदी है। यह तीनों जो है आर्कटिक सागर में गिरती है, इधर ये आर्कटिक सागर का क्षेत्र है, आर्कटिक सागर में गिरती है। ओब की खाड़ी जो है, ओब की खाड़ी दुनिया की सबसे लंबी मुहाना है, इसको आप ध्यान देंगे। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप इसको ध्यान देंगे। या योब की जो खाड़ी है, योब की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी मुहाना है, स्वेडीज है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये बराबर प्रश्न पूछा जाता है। और यह आर्कटिक सागर में गिरने वाली कौन प्रमुख नदियां हैं,
तो लेना है, ओब है और इनिसे नदी है। यह तीन नदी जो है आर्कटिक सागर में गिरती है, जिसमें ओब जो है दुनिया की सबसे लंबी एस्युरीज के रूप में जाना जाता है। तो यह जो है एशिया की जो नदियां हैं उसको हमने चर्चा कर दिया। यहाँ पर एक बात यूरोप की नदियों में मैं एक और बता दे रहा हूँ, को नदी है इटली, यहाँ पर है इटली में एक को नदी है जो गंगा कही जाती है, इटली की गंगा कही जाती है, और यह इटली की सबसे बड़ी नदी है। इसका यहाँ आल्प्स जो है कॉटियन आल्प्स जो मोंटे विस्को इसका उद्गम है, और मुहाना जो है एड्रेटिक सागर में आपको यह गिरती है, यह एड्रेटिक सागर में गिरती है। तो यह जो है आपको आप ध्यान देंगे तो यह आपके सारे प्रश्न यूरोप और एशिया से संबंधित जितने भी प्रमुख नदियां हैं इसकी चर्चा मैंने किया है। फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो ये यूराल नदी है, यूराल नदी और वोल्गा नदी का आपका मुहाना कैस्पियन सागर है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। यूराल और वोल्गा नदी, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यह कैस्पियन सागर में गिरती है। यहाँ बल्दाई की पहाड़ियाँ है, बल्दाई की पहाड़ियाँ से यह निकलती है। बल्दाई की पहाड़ी में आपको एक डॉन है जिसको रूसी भाषा में डोन कहा जाता है, रूस की नदी है, या डॉन जो है अंग्रेजी में डॉन कहा जाता है, या जो है आपको इसका मास्को के पश्चिमी रूस से इसका निकलता है, ये जो सागर में गिरता है। तो यह जो है यहाँ बल्दाई की पहाड़ी से निकलने वाली जो बल्दाई की पहाड़ी इसका उद्गम है, वोल्गा नदी का उद्गम बल्दाई की पहाड़ी है। दूसरा जो है आपको आपको यहाँ ध्यान रखेंगे, यह बल्दाई की वोल्गा नदी जो है बल्दाई की पहाड़ी से निकलती है। दूसरी जो है आपको नीपर नदी जो है, नीपर नदी जो है वह बल्दाई के, तो नीपर और वोल्गा, नीपर और वोल्गा का उद्गम जो है याद रखेंगे आपका बल्दाई की पहाड़ी है। यह नीपर नदी है, यह नीपर नदी है, यहाँ पर ध्यान देंगे यह नीपर नदी है और यहाँ पर यह वोल्गा है, यह दोनों जो है इसका बल्दाई की पहाड़ी से ही ऑरिजिनेशन है, उद्गम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और आपको मैं बता दे रहा हूँ इधर जो मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ यहाँ पर कि आपको उत्तरी अमेरिका की नदियों में मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो है आपका मैकेंजी नदी है, जो आपका यह मैकेंजी नदी है यहाँ पर, यह आपको कनाडा की सबसे लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस जो है वह सेंट लॉरेंस जो नदी है जो यहाँ पर आपको सेंट लॉरेंस है, जो आपको क्या होता है सेंट लॉरेंस ग्रेट लेक्स का महान झील जो है उसका अटलांटिक महासागर से अटलांटिक महासागर में इसको जोड़ने का काम करती है। और आपको एक बात बता दें, मिसिसिपी मिसौरी जो है यहाँ पर आपको मिसिसिपी मिसौरी है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र की निर्माण करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। रियो ग्रांडे नदी जो है, रियो ग्रांडे नदी यहाँ है, यहाँ पर भी आप चित्र मैंने बता दिया, रियो ग्रांडे जो है इसको रियो ब्रावो देल नॉर्वे इसको पुकारा जाता है, इसको आपको उद्गम जो स्रोत है कैनेवी पर्वत है, मुहाना मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पर जो है मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरता है, यहाँ भी मैंने चित्र बना दिया है, यह मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ रियो ग्रांडे जो है, यह रियो ग्रांडे का मैंने बता दिया कि रियो ग्रांडे यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में गिरता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक बात और चर्चा कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो है परागवे और पराना, तो यहाँ पर पराना और पराना जो है पराना और परागवे, तो पराना यहाँ पर यहाँ भी दो का ये है, तो पराना प्रमुख नदी है, परागवे इसमें मिलती है, इसलिए कहा जाता है पराना परागवे, पराना और परागवे जो है पराना प्रमुख नदी है, परागवे है यह दक्षिणी अमेरिका का है, और यह पराना का जो उद्गम जो है पैरोनेवा से हुआ है, यहाँ से पैरोनेवा से होता है और रियो दे ला प्लाता में जाकर के अटलांटिक महासागर में जाकर के मिलता है। और यह जो है आपको मैं आपको इतनी सारी बात बता दिया है, आप जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए तो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।